चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये हम छोड़ने आ रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट के लिए। नाइस, लेट्स सी। ए गाड़ी स्टार्ट कर। और ये हम निकल चुके हैं। काफ़ी अच्छा सूरज भी है। नाइस सनी डे, गुड व्यू फ्रॉम द प्लेन। भैया का शहर के यूनिफॉर्म में। और ये आप देख रहे हैं फिलहाल अहमदाबाद का रिवर फ्रंट, बेहतरीन। और हम हैं अभी एयरपोर्ट पे, काफ़ी जल्दी आ गए थैंक्स टू भैया सुपर फास्ट ड्राइविंग। लग रहा था रनवे पे भगा रहे हैं। ऑलराइट, सो हम एयरपोर्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, टर्मिनल वन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियली एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। ये अकासा एयर की फर्स्ट, लेट्स सी हाउ इट गोस। हम चेकिंग से लेकर बोर्डिंग अहमदाबाद एयरपोर्ट पे। चलिए आ गए, अंदर आ चुके हैं। और एयरपोर्ट से एंट्री अंदर होते ही यहाँ पर है अकासा एयर का वेलकम। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। QP1102, लेट्स गो इनसाइड। सो लेट अस सर्च फॉर द अकासा एयर चेक इन काउंटर्स। पीछे देखो पीछे। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये अकासा एयर का काउंटर ये रहा। दैट्स ग्रेट, एक्साइटेड फॉर दिस। यू हैव अ न्यू होम, न्यू बिगिनिंग एंड न्यू डेस्टिनेशन। थैंक यू ऑल द सपोर्ट। क्या बात है सर, क्या बात। दिस इज फॉर द कैप्टन। चलते हैं अभी फ्लाइट का चेक इन करने। और ये बर्ड GSEC, शायद ये अकासा एयर का थर्ड पार्टी ग्राउंड स्टाफ। आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। और हमने चेक इन कर दिया है, अपना बैगेज दे दिया है। ये रहा हमारा बोर्डिंग पास। और ये हम एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक की तरफ बढ़ते हुए, CISF का जो सिक्योरिटी चेक है हर एयरपोर्ट पे इंडिया में। अरे भैया जल्दी करो, रहा नहीं जाता। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। थैंक यू। और हमारा गेट नंबर वन राइट की तरफ। अच्छा। ये आ चुके हैं एयरपोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पे। काफी मैंडेटरी बाथरूम सेल्फी। वाओ ब्यूटीफुल। राकेश झुंझुन वाला सर, वाओ। मैं सोच रहा था मैंने पहली फ्लाइट बुक की है अहमदाबाद से मुंबई के लिए। Hey, what's up? Oh, wow, Josh K. Hello. Wow, he said hi. तो चलिए फाइनली बोर्डिंग शुरू हो चुकी है अपनी फ्लाइट की। वैसे तो 14 मिनट की देरी से चल रहे हैं, बट चलो ठीक है, पहुंचा तो टाइम पे देंगे हमें। थैंक
थैंक यू, हैव अ नाइस फ्लाइट सर। थैंक यू ब्रदर। फिर से लाइन में रुकना पड़ेगा, जल्दी करो। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। वाओ, और ये हम अपनी फ्लाइट की तरफ बढ़ते हुए, मतलब बस कैबिन देखने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट। एरोप्लेन से जाना पड़ रहा है, नहीं तो नीचे से हमें पूरा प्लेन का व्यू मिलता। चलिए। हेलो सर। हाय। So thank you for choosing Akasa. You're most welcome. Yeah, hi. Come on board, how sir. Are you? Very well, how are you doing? All good. Welcome to Akasa Air, sir. Good afternoon. Wow, काफ़ी अच्छा वेलकम था स्टाफ और क्रू की तरफ से। Akasa Plus प्रीमियम इकोनॉमी, अच्छा। चलिए अपनी सीट की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। हमारा सीट नंबर है 23F। विंडो सीट बुक की थी हमने। वाओ वाओ। इसका हेडरेस्ट जो है आप यूज़ कर सकते हैं दोनों तरफ से, काफ़ी कमाल है। और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप इसको पहले ऐसे सीधे कर लीजिए और फिर आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे करना मत भूलो। ठीक है। Your attention please, we will be... ये देख सकते हैं हम लेग स्पेस, मेरी हाइट है 5'7" तो उस हिसाब से। और ये कुछ और स्पेस जहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हैं या खाने के बाद कुछ वाटर बॉटल समथिंग। और ये रही यहाँ की सेफ्टी गाइड, इस बोइंग 737-8 की। ये ट्रे टेबल काफ़ी पसंद आया मुझे, ये काफ़ी बड़ा सा लग रहा है। ओके, हाँ ये हो चुका है सेट। ट्रे टेबल निकालने के बाद मुझे तो सीट और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है। ये सीलिंग देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया है। और बोइंग काफ़ी हमेशा इस चीज़ पे वर्क करता है, बोइंग 737-8। और ये इंडिगो की फ्लाइट लैंड होके हमारी तरफ बढ़ते हुए। आप ओरिजिनल साउंड इंजन का, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। करके जो है डिशेस का नाम पढ़ सकते हैं और उसकी प्राइस, उसके बारे में कुछ और डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। कैफे अकासा मतलब एक खुद का कुछ जो है कस्टमाइज मेन्यू इन्होंने बनाया है, इंटरेस्टिंग। थोड़ा एक्सपेंसिव है पर चलिए देखते हैं टेस्ट कैसा है, मैं बताता हूँ आपको। प्लेन के पिछले हिस्से में यहाँ पर है एग्जिट डोर जिसके तरफ आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। चलिए देखते हैं इस प्लेन का वॉशरूम।
वाओ लाइटिंग, ब्लू कलर की लाइटिंग, बोइंग ये सब चीज़ों पे काफ़ी अच्छा काम है। वाओ अब ये वॉश हो चुका है लाइट अप आपके यूज़ के लिए रेडी, और काफ़ी अच्छी स्पेस है। वाओ आकाशा एयर का हैंड वॉश कस्टमाइज, ये है टिश्यू पेपर, बेबीज़ के लिए स्टॉलर अगर आप बेबी को लेके आते हैं और डायपर चेंज करना चाहते हैं तो ये आपके काफ़ी काम आएगा। ये वैसे तो सीक्रेट पीना मना होता है प्लेन पे, लेकिन अगर फिर भी आप छुप के लेकर आ चुके हैं तो कैसे भी, लेकिन यहाँ पर भी होते हैं स्मोक डिटेक्टर तो ऐसे सब काम ना करें। और ये रहा एक कोट हैंगर, काफ़ी सब कुछ बहुत सही तरीके से बनाया गया है कि आप सब कुछ अपना मतलब कर सकते हैं आप। क्लिक, सुनिए ये वैक्यूम क्या हो, पता नहीं काफ़ी एक्साइटिंग लगता है ये। और ये है टैप, हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों ही गर्म और ठंडे पानी के लिए है। फोन रख करके ये यहाँ पे डस्टबिन, टिश्यू पेपर, टॉयलेट रोल्स, लाइटिंग काफ़ी बढ़िया है। बंद करते हैं, ब्लू लाइटिंग, चलिए बाहर। और ये वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर कैप्टन, और काफ़ी जल्दी हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं अहमदाबाद से। वाह क्या मैं सही देख रहा हूँ, हाँ एक और आकाशा का एयरक्राफ्ट मुंबई एयरपोर्ट पे खड़ा है, ये रहा। चलिए डिबोर्ड करते हैं प्लेन को, और कैबिन लगेज, वाओ आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा स्पेस जो है इसमें है कैबिन लगेज के लिए। ये रही हमारी लैपटॉप बैग, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जिट डोर्स विंग्स पे जो होते हैं, एज यूजुअल लास्ट टू डीबोर्ड द प्लेन। पता नहीं क्यों सबको इतनी गड़बड़ क्यों होती है, होता नहीं कि सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। बाय, लव यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, यू टू, थैंक यू। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और ये कुछ स्टाफ गुडीज बैग लेके, चलिए पहले प्लेन को कर देते हैं एक बार बाय बाय, वेटिंग फॉर द रिव्यू। आ भाई कैसी लगी? थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ रियल नाइस फ्लाइट, हेल्प मी गिविंग द रिसो। और ये हमें
अकासा की फर्स्ट डे फ्लाइट पे मिली एक गुडी बैग, इसे खोलेंगे होटल में जाकर। और कुछ प्लेन के बारे में बताना चाहूँगा, ये था बोइंग का 737 मैक्स। सुना है 50% फ्यूल इफिशेंट है, तो काफ़ी बचत करेगा एयरलाइन के लिए और प्रॉफिट बनाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इंडियन मार्केट में। और ये है मुंबई का डिपार्चर। प्लेन को एक और बार देख लेते हैं, काफ़ी मेरा बाहर से देखने का मन था प्लेन को, बट नहीं देख पाए एरो ब्रिज के कारण। चलिए कोई बात नहीं, और जल्दी जल्दी घर जाने की गड़बड़। और ये हमारा बेचारा बैग, अकेला घूम रहा है, लावारिस पड़ा हुआ है। मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। चलिए भाई घर चलिए, इतने गंदे क्यों हो रखे हो। और ये रहा फाइनल एग्जिट। ये एयरपोर्ट्स पे भी ना काफ़ी कैलोरीज बर्न हो जाती है, 10 से 20 हज़ार स्टेप्स तो कहीं नहीं गए। चलिए निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर। प्लीजेंट स्टे इन मुंबई। ओह कैसे कहा है मुंबई। और हैज़ यूजुअल कैब वाले हमारे पास नहीं आने वाले, हमें ही इनके पास जाना पड़ता है, बताना पड़ता है। ये है मेरी लोकेशन सर। तो ये हम होटल पे पहुंच चुके हैं, और ये था हमारे गुडी बैग में एक सर्टिफिकेट फर्स्ट टू फ्लाई का, देन एक एयर टैग, कुछ कैफे अकासा का फूड बैग, और एक 1:200 का बोइंग 737 MAX 8। थैंक यू अकासा फॉर दिस, आई डेफिनेटली लव्ड इट, और काफ़ी अच्छी फ्लाइट रही। थैंक यू सो मच।